हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीडीसी एडिटर के मेडिसिन सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन बेनाड्रिल सिरप के बारे में। जी हाँ, बेनाड्रिल सिरप बहुत ही अच्छी मानी जाती है सर्दी खांसी जुकाम बलगम बंद नाक रनी नोज इन सारी चीजों को ठीक करने में। मेनली एक तरह से एक कफ सिरप है जो कि खांसी को भी दूर करती है और खांसी के साथ जो बलगम आते हैं म्यूकस आता है उसको ट्रीट करने के लिए काफी ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो आज हम देखेंगे बेनाड्रिल सिरप में मेन कंटेंट क्या होता है, क्या इसका यूजेस है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या साइड इफेक्ट, क्या प्रिकॉशन, क्या डोज, मतलब इस सिरप की हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट कर देते हैं डियर बेनाड्रिल सिरप के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बेनाड्रिल कफ सिरप होती है 150 ml के अमाउंट में आती है और इससे बड़ा छोटा भी 60 ml में भी आता है, जो कि एक तरह से एक्सपेक्टोरेंट क्लास की मेडिसिन है, यानी कफ को रिलीव करने के लिए, कफ को एक्सपेल आउट करने के लिए जानी जाती है। मेनली इसमें जो साल्ट कंपोजिशन होगा, जी हाँ, तीन साल्ट कंपोजिशन से मिलकर बना होता है। पहला है डाइफेनहाइड्रामिन जो कि 14.08 mg पर 5 ml में होता है। दूसरा अमोनियम क्लोराइड होगा जो कि 130 mg पर 5 ml में मिला होता है। और तीसरा है सोडियम सिट्रेट 57.03 mg पर 5 ml में मिला हुआ होता है। अब हम देखेंगे कि जो बेनाड्रिल सिरप है मेनली आपका कफ को ट्रीट करता है, साथ ही साथ आपका अगर एलर्जिक सिम्टम्स है, जी हाँ, जैसे नाक बहना, आंख से पानी आना, स्नीजिंग छींकना, वाटरी आइज हो गया, नाक बंद हो गया, यानी कि इन सारी चीजों को, मतलब कफ को तो ठीक करेगा, म्यूकस को यानी कि बलगम को ठीक करेगा, साथ ही साथ एलर्जी से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं उसको भी ट्रीट करने का काम करेगा। अब ये चीजें कैसे करेगा हम आगे देखते हैं डियर, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जी हाँ, हमने बताया कि बेनाड्रिल कफ सिरप में तीन मेडिसिन, तीन ड्रग का, तीन API का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले जो अमोनियम क्लोराइड है वो एज ए एक्सपेक्टोरेंट, जी हाँ, कफ को क्या करता है, एक्सपेल करने का काम करता है। दूसरा है डाइफेनहाइड्रामिन क्लोराइड जो कि एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, एलर्जिक जो कंडीशन, एलर्जिक जो हमारे सिम्टम है उसको ट्रीट करेगा। सोडियम सिट्रेट एज ए म्यूकोलिटिक एजेंट की तरह काम करेगा। सबसे पहले देखेंगे जो अमोनियम क्लोराइड है वो करता क्या है कि फ्लूड का वॉल्यूम कहाँ पे, एयर वे में, आपके एयर वे में, गले में फ्लूड का वॉल्यूम बढ़ा देगा। फ्लूड का वॉल्यूम बढ़ाएगा तो जो म्यूकस स्टिक है, यानी कि म्यूकस आपके इसमें एयर वे में, विंड पाइप में क्या है, यहाँ पे स्टिक है, तो वहां से क्या करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा, उसका स्टिकनेस, जिससे क्या होगा, वो हमारा डाइल्यूट हो जाएगा और निकलने के लिए बाहर आने लगेगा। फिर बात करेंगे जो डाइफेनहाइड्रामिन क्लोराइड है वो क्या करेगा, हिस्टामिन के एक्शन को, जी हाँ, हिस्टामिन क्या करेगा, एलर्जिक सिम्टम्स देता है, उसी हिस्टामिन को ब्लॉक कर देगा, यानी कि आपका जो रनी नोज था, वॉटरी आइज था, स्नीजिंग था और जितनी भी एलर्जिक कंडीशन है वो हिस्टामिन यानी कि डाइफेनहाइड्रामिन क्लोराइड के द्वारा क्या होता है, ट्रीट हो जाता है। बात करेंगे जो तीसरी मेडिसिन है सोडियम सिट्रेट, ये क्या करेगा, जो आपका म्यूकस है, जी हाँ, जो आपका बलगम है, म्यूकस है, उसको थिन कर देगा, पतला कर देगा, लूज कर देगा, जिससे हमारा क्या होगा, लंग्स में, विंड पाइप में, नोज में जो भी म्यूकस होंगे वो हमारा इजिली आउट हो जाएंगे, इजिली कफ को हम बाहर कर सकते हैं। यानी कि इन तीनों के द्वारा क्या होता है, कफ तो दूर हुआ, कफ को पतला करके ये बाहर भी निकाल दिया, साथ ही साथ एलर्जी के जितने भी सिम्टम्स थे उसको भी इसने ट्रीट कर दिया। फिर बात करेंगे डियर डोजिंग की, तो मेनली ये अंडर 4 ईयर के बच्चों के लिए बिना मेडिकल एडवाइस के यूज नहीं की जाती है। जो नॉर्मल डोज की बात किया जाए तो 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें 1 चम्मच 5 ml यानी 5 ml उसको पिला सकते हो, और 12 साल के ऊपर और एडल्ट को 2 चम्मच यानी 10 ml आप पी सकते हो। फिर बात करेंगे डियर साइड इफेक्ट की, जी हाँ, बेनाड्रिल सिरप के कुछ साइड इफेक्ट, जैसे स्टोमक पेन वगैरह हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक यानी पेट के ऊपर थोड़ा सा क्या हो सकता है, पेन फील हो सकता है, डिजीनेस की कंडीशन आ सकती है, स्लीपीनेस आप फील कर सकते हो, आपका कोऑर्डिनेशन बॉडी के साथ थोड़ा सा इम्पेयर्ड हो जाएगा और आपका जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है थोड़ा सा थिकेंड हो जाएगा, यानी कि उसका सिक्रीशन थिकेंड हो जाएगा, साथ ही साथ एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकती है। डियर स्टूडेंट, बात करेंगे कुछ वार्निंग, कुछ प्रिकॉशन की, तो आपको अपने फिजिशियन के कंसल्ट के बाद ही इसको क्या करना है, कंज्यूम करना है, और आपके अंदर यानी कि जो डाइफेनहाइड्रामिन है वो अगर आपके अंदर रिस्पायरेटरी कंडीशन, जैसे आपका एम्फिशिमा हुआ या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ या एक्यूट या क्रोनिक ब्रोंकियल अस्थमा हुआ या ग्लाउकोमा हुआ, प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट रिटेंशन, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर दिक्कत है तो डाइफेनहाइड्रामिन आपको क्या कर सकता है, दिक्कत पहुंचा सकता है, इसीलिए आप अपने डॉक्टर के सलाह के बाद ही इसे क्या करें, कंज्यूम करें। बात करेंगे ये थोड़ा सा ड्राउजीनेस क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है,
और ये अगर सिम्टम्स जो हमारे साइड इफेक्ट के सिम्टम्स अगर बने हुए होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, ये थी आपके बेनाड्रिल कफ सिरप। जी हाँ, बेनाड्रिल कफ सिरप आपके सर्दी खांसी और जुकाम एलर्जी इन सारी चीजों को ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। उम्मीद होगी इसकी जानकारी आपको समझ में आई होगी, कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को औरों तक जरूर शेयर करें। अगली मेडिसिन किसके बारे में बताएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मेडिसिन की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से जाके विजिट करके देख सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।